बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेसन टू क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये 11th का सेकेंड लेसन है। हिंदी में इसको कहते हैं हम जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। जीवों का वर्गीकरण का अर्थ हुआ कि जीवों को उसके कैरेक्टर के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित करना। अब इन्हें विभाजित करने के लिए सबसे पहले तो प्रश्न यह उठता है कि जीवों को विभाजित करना क्यों जरूरी है, उनको अलग अलग भागों में रखना क्यों जरूरी है। तो हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इंडिया में सिर्फ 50,000 किस्म के आम पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में यदि हम बात करें तो 270,000 किस्म की सिर्फ प्लांट्स पाई जाती है और 40,000 किस्म का सिर्फ शैवाल पाया जाता है। यदि हम मैमल्स यानी कि मैमल्स स्तनधारी की बात करेंगे तो 4,650 स्तनधारी पाए जाते हैं। इस तरह से जीवों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके विषय में याद रखने की बात तो दूर, उसके नाम को याद रखना इम्पॉसिबल है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को उनके अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इसके लिए तीन मुख्य टर्म का उपयोग होता है, सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। तीन टर्म आ गए, सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ए सब टॉपिक ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट डील्स विद ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। और टैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक सिद्धांत है और लगभग तीनों वर्ड के अर्थ या काम लगभग एक ही है। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जीवों को अलग अलग भागों में विभाजित करना है ताकि अच्छे ढंग से इसका अध्ययन किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि विभाजित करने की जो प्रक्रिया है यह किस प्रकार से शुरू होती है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है। किसी भी जीव का नाम रखने के लिए दो संगठन हैं। सबसे पहला संगठन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर
के अंतर्गत एनिमल्स का नामकरण किया जाता है और इसमें बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में प्लांट्स का नामकरण किया जाता है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम रखने के लिए दो सिस्टम डेवलप किए गए हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम और दूसरा है ट्रायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम और ट्रायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का मतलब होता है द्विपद नाम पद्धति और ट्रायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का अर्थ होता है त्रिपद नाम पद्धति। अर्थात जब हम जीवों का नामकरण करते हैं तो उसके नाम में दो नाम देते हैं, एक स्पेसीज नेम और दूसरा जेनेरिक नेम। यानी कि जब दो नाम हो स्पेसीज और जेनेरिक के नाम तो उसको हम कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, द्विपद नाम पद्धति। और जब तीन पद हो यानी कि स्पेसीज हो, जेनेरिक नेम हो और फिर उसमें कुछ और लगा हुआ हो, तीन पद हो, तो उसको हम ट्रायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की, तो गुलाब यानी कि रोज का साइंटिफिक नेम है रोजा चाइनेसिस। इसमें रोजा और चाइनेसिस दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद सनफ्लावर सूरजमुखी, सनफ्लावर हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस। उसके बाद व्हीट गेहूं, ट्राइटिकम स्टाइगम, लीची चाइनेसिस। सरसों यानी कि मस्टर्ड, बर्सिका कंप्रेस्टिस, आम मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, इस तरह से हमने देखा कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में दो वर्ड होते हैं, एक स्पीसीज नेम और दूसरा जेनेरिक नेम।